अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8 क्लास की मैथ 1.14 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें पहले हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात कर रहे थे। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट बोथ ऑफ द सेट्स एंड यूनाइटेड बाय यू। ठीक है, इसको हम यू से करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 4, 5, 6। हमने यूनियन में एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब में मिला के लिख देना होता है। ठीक है, तरतीब में देखो 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है। यूनियन किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक हमने सेट ए यूनियन बी बना मेरे पास ये, ठीक है, मिला के लिख दिया मैंने। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में से जो कॉमन होते हैं ना एक जैसे, उसको निकाल लेना बाकी छोड़ देने। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट डेट आर कॉमन इन बोथ सेट्स एंड यूनाइटेड बाय ये, इससे करते हैं यूनाइट, है ना। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, वाई इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। ठीक है, यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया मैंने। अब देखो इसमें से मेरे पास 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया, और मेरे पास में 4 कॉमन है, मैंने 4 निकाल लिया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8। इसमें कॉमन क्या था, 2 और 4, वो मैंने निकाल ली, बाकी सारे छोड़ दिए। ठीक है, अब डिफरेंस की बात कर रहा है कि डिफरेंस को माइनस भी कहते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द डिफरेंस इज गिवन बाय ए माइनस बी, बी माइनस ए। ए माइनस बी मीन्स द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें अब आपको बताते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सिंपल लफ्जों में। इफ़ ए ए बी सी डी है, बी मेरे पास है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि हमने ए माइनस बी में क्या करना, दोनों में जो कॉमन होते हैं ना कॉमन, वो हमने नहीं लिखने होते। दोनों में कॉमन होते हैं हमने नहीं लिखने होते। जैसे देखो इसमें ए है, इसमें भी ए है, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, सी है, इसमें नहीं है, डी है, इसमें नहीं है। ठीक है, पीछे बचा क्या, बी सी डी। हमने जिस बच जाते हैं ना, देखो इसमें ई आई ओ भी बचा है मेरे पास, लेकिन हमने इसको नहीं देखना। जो पहले नंबर पर चीज़ है ना उस सेट को देखना है। ए पहले नंबर पर आ रहा है, अब ए वाले सेट में जो बचे हमने वो लिख देने। ठीक है, बी वाले सेट में चाहे सब कुछ ही बच जाए, हमें से कोई लेना देना नहीं। ए वाले सेट में कॉमन निकाल के जो बचते हैं हमने वो लिख देना होता है। ठीक है, या हमें बी सी डी बच के वो हमने लिख दिया। अब बी माइनस ए, ए ई आई ओ यू, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ठीक है, अब ई आई यू ओ बचा है मेरे पास। ठीक है, ई आई ओ बचा है मेरे पास, इसमें देखो बी सी डी इसमें बचा है, लेकिन मुझे इससे सरोगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बी पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है हमने उसका लिखना होता है, बकिया बच जाए बी दूसरे वाले का लिखना होता। ठीक है, ई आई ओ है मेरे पास, ई आई ओ मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट डेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट इज यूनाइटेड बाय यू। बड़ा सेट यू कहते हैं हम उसको। ठीक है, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल विद टू सेट्स ए एंड बी। हियर ए ए बी सी डी बी ई एफ जी एच है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑफ यूनिवर्सल यू ऑफ ए एंड बी गिवन बाय। ठीक है, सब एलिमेंट ही होते हैं ना यू के अंदर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, देखो ए ये है, बी ये है, लेकिन यू दोनों को अपने अंदर ले रहा है। बड़ा सेट को हम यू कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट भी हम कहते हैं। जैसे यूनिवर्सल लॉ आते हैं हमारे पास, जैसे सूरज मशरक से आता है और मगरब में जाकर ग्रुप होता है, यूनिवर्सल लॉ है मेरे पास। ठीक है, चांद की अपनी रोशनियाँ होती है, यूनिवर्सल लॉ है मेरे पास, सूरज की रोशनी पर जाकर लगती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है। जून में गर्मी होती है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का लॉ है। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, अ कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिफाइंड एज अ सेट डेट कंटेन्स द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन अ सेट ए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सिंपल अब समझाता हूँ। यू मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 10 तक है, ए मेरे पास है 2, 4, 6, 8। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। ठीक है, आपको वही बताया मैं माइनस करते हैं, सुपर डिफरेंस मैंने बताया था, चलो उसका लिख लेता हूँ पूरी तरह खोल के। यू के मेरे पास क्या सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये आ गया, ये मेरे पास U हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास है A, 2, 4, 6 और 8। ये A आ गया मेरे पास। हमने माइनस करना आपको बताया था, जो कॉमन होता है हमने पहले वो ख़त्म करने होते हैं। ये गया मेरे पास, 4 भी गया, ठीक है, 6 भी गया और 8 भी गया। पीछे का बचा 1, 3, 5, 9, 10। ठीक है, हमने पहले वाले को देखना होता है। देखो यहाँ पे मेरे पास U पहले है ना, तो हमने सिर्फ पहले वाले को देखना होता है, तो बचा गया 1, 3, 5, 7, 9, 10। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 और 10। जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि हम ए को माइनस करते हैं यू से। ठीक है, यू माइनस ए, ए को यू से माइनस करना है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम
ऐसे भी शो करते हैं। एक के ऊपर छोटा सा सी लिखा हो तो वो भी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और एक के ऊपर डैश लिखी तो वो भी कॉम्प्लीमेंट ही कहलाता है। इंट्रोडक्शन लाजमी देखना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। इंट्रोडक्शन तो आपने इसका 1.14 का देख लिया होगा। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है कि उसके वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखो बुक के पीछे आप देखना इसके जवाब भी नहीं लिखे होंगे, मतलब कि आपका जवाब इसी एक्सरसाइज के अंदर ही आएगा। अगर इन दोनों के साइडें जवाब बराबर आ जाता है तो आपका जवाब सही है, अगर जवाब बराबर नहीं आता तो आपका जवाब गलत है। ठीक है, आपका जवाब डेफिनेटली गलत है, फिर आप चेक करेंगे गलती कहाँ की है। पीछे जवाब नहीं ना गिवन, इसलिए नहीं गिवन कि इसका जवाब इसी में ही है। आप कह रहे वेरीफाई करना है, पहले वेरीफाई ए वाला कर लेते हैं। चलो ये देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, वेरीफाई किया। अब पहले हमने इकट्ठियाँ नहीं कर सकते, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड करनी होती है। इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, आपने ऐसे पेपर में हेडिंग देनी है। ठीक है, इसको स्टार्ट कर देना है। अब हमने रेफरेंस साइड लिखने के बाद ए दोबारा लिखना है, ये नहीं कि ऊपर एक दफ़ा लिख दिए पेपर में तो आप उसी को लेकर चल पड़ो, ऐसे नहीं करना। 1, 2, 3 सो ऑन 10। ठीक है, सो ऑन का मतलब होता है कि 10 तक जा रही है वैल्यू। और बी मेरे पास है 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, बी मेरे पास जी है। अब हमने क्या करना है, आपने लिखना है ए यूनियन बी। ठीक है, अब इकट्ठी वैल्यू लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यूनियन 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, यूनियन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमने इन दोनों को मिला के लिख दिया था तरतीब में। ए यूनियन बी मेरे पास क्या जवाब आएगा, देखो ये है ना मेरे पास 1, 2, ये पूरी पूरी लाइन आ जाएगी एंड में 11 और 12 आ जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारे पास। राइट हैंड साइड करते हैं हम, राइट हैंड साइड के हमारे पास बी यूनियन ए। ठीक है, बी यूनियन ए, अब बी मेरे पास क्या ये है, पहले हम इसको लिखना है, जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, और यूनियन, ठीक है ए मेरे पास क्या है, ये नहीं लिखना सॉरी, 1, 2, 3 सो ऑन 10। ठीक है, ये आगे वैल्यू। अब हम फिर इसको तरतीब में करके लिख देंगे क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन हम तरतीब में करके लिखना होता है। बी यूनियन ए मेरे पास क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5 और 11 और 12। ठीक है, ये मेरे पास हो गया इसका जवाब, ये ठीक हो गया। बी वाला चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो बी वाला मेरे पास क्या है, बी वाला मुझे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बी वाला, इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले ए वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ए मेरे पास क्या है, 1, 2, 3 सो ऑन 10। बी मेरे पास क्या है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, बी वाली वैल्यू आ गई। इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, पूरी वैल्यू हम तरतीब में लिखेंगे, एक दफ़ा खोल के लिखता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये आ गई ए मेरे पास इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन डाला यहाँ पे मैं, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, दो बातें आ गई। इंटरसेक्शन हमने क्या करना होता है कि दोनों में कॉमन होता है ना, कॉमन हमने वो लिखना होता है। अब देखो कॉमन इन दोनों में क्या है, अगर हम गौर से देखें तो कॉमन इन दोनों में है, देखो इसमें एक कॉमन है 7, ठीक है 8 कॉमन है, 9 कॉमन है और 10 कॉमन है। ये दो कॉमन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये हमारा जवाब होगा। जो कॉमन होते हैं ना हमने वो लिखना होता है, बाकी सारे छोड़ देने होते हैं। कॉमन जो दोनों में मौजूद है उसको हम कॉमन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन बी का जवाब मेरे पास क्या है, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जवाब मेरे पास क्या है, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, वैल्यू एक दफ़ा लिख लिया, दूसरी दफ़ा ना भी लिखो, ठीक है। बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 7, 8, 9 और 10 और 11 और 12। ठीक है, ये थी इंटरसेक्शन मेरे पास, 1, 2, 3, 4, ठीक है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, कॉमन इन दोनों में क्या है, 7, 8, 9, 10, जो उसमें था वो इसमें भी है ना। बी इंटरसेक्शन ए,
सेवन एट नाइन और टेन, ठीक है। ये मेरे पास दोनों के जवाब ठीक आ गया, तो हम एंड पे क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास ये इसका जवाब मतलब ठीक हो गया, दोनों के जवाब बराबर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू है मेरे पास, ये ए की वैल्यू है, ए सेट है मेरे पास वन टू थ्री सेवन फिफ्टीन तक, और पी है मेरे पास सिक्स एट टेन सेवन ट्वेंटी तक, ठीक है। पहले हमने ए यूनियन बी करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी है, पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं खोल के, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, ठीक है। ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, देखो वो से देखना आपने, ये दो दो का फ़र्क आ रहा है, छः आठ दस, ठीक है, बारह चौदह सोलह अठारह और बीस, ठीक है। आपने सीधा नहीं चलना, स्टार्ट में से बता दी कि दो दो का फ़र्क आ रहा है, तो हमने दो दो का फ़र्क रख के ही सेट पूरा करना है, ठीक है। अगर आपने इसको सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम इसको ए यूनियन बी लिखते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी इसको सेट करके लिखना है ना, बीस तक। देखो मेरे पास एक दो तीन चार पंद्रह तक है, एक तो ये सेट पूरा आ गया, पंद्रह सोलह अठारह और बीस, ये इसका जवाब होगा, ठीक है। चौदह इसमें आ रहा है ना बीच में, पंद्रह इससे आगे चलना है हमने, अठारह सोलह अठारह और बीस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, ग्यारह और बारह, ठीक है, तेरह चौदह पंद्रह, ठीक है, पंद्रह हो गया पूरा सेट, पूरा लिख दिया पंद्रह। आगे देखो ये उसमें कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सोलह अठारह और बीस, ठीक है। ये मेरे पास होगा ए यूनियन बी का। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, बी यूनियन ए, राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, तो बी यूनियन ए भी मेरे पास यही आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू में लिख लगा वन टू थ्री सो वन फिफ्टीन तक, ठीक है। यूनियन मेरे पास बी की वैल्यू, एक मिनट सॉरी सॉरी, पहले ये लिख दी मैंने, इसमें होगा बी यूनियन ए, ठीक है। पहले बी की वैल्यू लिखनी है सिक्स एट टेन, ठीक है, सो वन ट्वेंटी, क्योंकि मैंने ऊपर खोल के लिख दी है ना, इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए। और मेरे पास है वन टू थ्री सो वन फिफ्टीन, ठीक है। उसको वैसे फिर हमने बंद करके लिख दिया ना, बी यूनियन ए इज इक्वल टू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह से आगे सोलह, ठीक है, अठारह और बीस, सोलह अठारह और बीस, ठीक है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मेरी आगे बराबर, तो ये होगा मेरे पास इसका जवाब, ठीक है, दोनों बराबर आगे। पेपर में आपने ये लाजमी लिखना है, ठीक है, लेकिन रेड से ना लिखा ना, ये तो रेड मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने ब्लू से करना है। अब बी वाला ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। हम सेट दोबारा खोल के लिख लेते हैं एक दफा, क्योंकि हमने इसमें कॉमन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, सॉरी पंद्रह तक हमारी होगी खत्म, ठीक है। बी वाला लिखते हैं, तो मेरे पास बी वाला क्या था, छः आठ दस, ठीक है, बारह चौदह सोलह अठारह और बीस, ठीक है, बी वाला आ गया मेरे पास। अब हम इसका लेना है कॉमन, कॉमन लेते हैं हल्का सा हम इसका, ठीक है। तो कॉमन कैसे होते हैं इंटरसेक्शन में, पहले हम ए यू इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, खोल के लिखती है ना, यहाँ पे अब लिखने के लिख लेना, लेकिन मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि चलो लिख ही देता हूँ। ए की वैसे सेट है वन टू थ्री सोन फिफ्टीन इंटरसेक्शन छः आठ सोन बीस, ठीक है। अब ये मैंने ओपन करके लिखी हुआ है ना, इसलिए मैं इस तरह लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास जवाब क्या आएगा इसका, कॉमन देख लेते हैं। देखो इसमें एक सिक्स कॉमन आ रहा है, एट कॉमन आ रहा है, टेन कॉमन आ रहा है, ट्वेल्व कॉमन आ रहा है, फोर्टीन कॉमन आ रहा है, बस जो कॉमन आ रहा है हमने वो लिखने होते हैं, बाकी हमने छोड़ देने होते हैं। तो फाइव एट नहीं सॉरी सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, ये होगा मेरे पास इसका जवाब, ठीक है। राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो बी वाला साइड पहले लिखते हैं, छः आठ दस सो ऑन बीस, ठीक है। इंटरसेक्शन मेरे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन एक दो तीन सो ऑन और फिफ्टीन, आगे वैल्यू
बी इंटरसेक्शन ए मेरे पास क्या बना, अब देखो मेरे पास वही कॉमन आने जो पहले था, ठीक है, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है, बस जवाब आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ठीक हुए, हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए। क्वेश्चन नंबर टू है, कह रहे वेरीफाई करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी को, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई और यूनियन जी। देखो इसमें ब्रैकेट का मतलब है ना, पहले हमने ब्रैकेट वाले सॉल्व करने होते हैं, फिर हमने साइड वाला करना होता है, जो साइड वाला है बाद में, पहले हमने ब्रैकेट वाला करना है फिर हमने बाद वाला, ठीक है, इसमें पहले ब्रैकेट वाला करना है और फिर बार वाला है, ठीक है। इसी तरह बी वाला है, पहले हम ए वाला करने लगाऊँ कि ए पहला क्वेश्चन है एक्स ए बी सी डी, वाई सेट है बी डी सी एफ, ठीक है, और जी सेट है सी एफ जी एच, ठीक है। अब इसको हमने यूनियन लेने लगाऊँ, ठीक है, पहले ए वाला करने लगाऊँ ना, तो ये पहले करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है, पहले हम वाई यूनियन जी करेंगे, वाई क्योंकि ब्रैकेट वाला है ना, यूनियन जी वैल्यू लिखते हैं वाई की बी डी सी एफ, ठीक है, ये आ गया, और यूनियन जी मेरे पास क्या है सी एफ जी एच, ठीक है, मेरे पास यूनियन आ गया, वाई यूनियन जी मेरे पास जवाब क्या है उसका, इसका जवाब क्या होगा बी डी सी एफ जी और एच, ठीक है, तरतीब में हमने लिख दिया ना बी डी सी एफ जी एच, सी इधर भी आ सकता है डी इधर भी आ सकता है, तरतीब आगे पीछे जो कि मसला नहीं होता इतना, ठीक है, तो तरतीब इसलिए होता है कि चलो गलती ना हो और आसानी से नज़र आ जाए, तो इसमें खास गलती नहीं होती, बी डी सी एफ जी एच हमने बस मिला के लिखना था, लिख दिया, रिपीट नहीं करना लफ्ज़, एफ इसमें भी एफ इसमें भी हमने एफ एक दफ़ा लिखना है, रिपीट नहीं करना, ठीक है, सी इसमें भी एस इसमें भी सी एक दफ़ा लिखना है, रिपीट नहीं करना, ये आपने याद रखना है, सेट में वैल्यू रिपीट नहीं होती, एक वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा ही आती है। हमने वाई यूनियन जी की वैल्यू निकाली थी बी डी सी एफ जी एच, ठीक है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी एफ निकालना है, ठीक है, एक्स यूनियन, ठीक है, वाई यूनियन जी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसको तरतीब लिख देना है ए, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, एफ जी और एच, ये होगा इसके जवाब। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या थी एक्स यूनियन वाई, ठीक है, यूनियन जी राइट हैंड साइड थी ना मेरे पास, फिर हमने एक्स यूनियन वाई लिखना है, एक्स यूनियन वाई स्टार्ट करना है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी, देखो एक्स की वैल्यू मेरे पास ये थी ए बी सी और डी, और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वाई की वैल्यू थी मेरे पास बी डी सी और एफ, ठीक है, ये आ गई मेरे पास वाई की वैल्यू। यूनियन करते हैं, एक्स यूनियन वाई मेरे पास क्या आया ए बी सी डी और एफ, ठीक है, और मेरे पास अब आएगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, एक्स यूनियन वाई ये ए बी सी डी एफ, यूनियन जी मेरे पास क्या आ रहा था ये नहीं, जी जी की वैल्यू थी मेरे पास सी एफ, ठीक है, जी एच, तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी की वैल्यू मेरे पास आई ए, देखो बी सी डी तो वैसे ही आ जाएगा, एफ जी और एच, ठीक है, ये आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड। देखो जवाब सेम नहीं है, तो मतलब मेरे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम इसका बी वाला करते हैं, इंटरसेक्शन को लेके करते हैं, इंटरसेक्शन है मेरे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, इंटरसेक्शन जी, ये ब्रैकेट में होगा पहले, और इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इसके स्टार्ट करते हैं ये वाली, ठीक है, वाई इंटरसेक्शन जी, वाई इंटरसेक्शन जी लिखना है ना मैंने, तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी ये वाली, ठीक है, बी डी सी एफ, ये आ गया, इंटरसेक्शन जी की वैल्यू मेरे पास क्या थी ये वाली सी एफ जी और एच, ठीक है, ये वैल्यू हो ना वाई और जी की। अब देखो कॉमन कौन कौन से आते हैं चेक करते हैं, कॉमन इसमें से सी आ रहा है और एफ आ रहा है, ठीक है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा, वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू बी डी सी और एफ, ठीक है,
जी नहीं है इसमें और एच भी इसमें नहीं है, तो सी और एफ ही कॉमन बनेगा। अब मैंने x यूनियन y यूनियन z निकालना, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू मेरे पास क्या है, a b c और d, ठीक है, इंटरसेक्शन c और f, ठीक है। इसको कॉमन लेते हैं, देखो इसमें कॉमन c आ रहा है सिर्फ, दोनों में a भी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, d इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो बीच में कॉमन क्या है सिर्फ मेरे पास, देखो c, ठीक है। तो कॉमन मेरे पास क्या है इसका, सी जवाब आया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड करते हैं इसकी, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन सी, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या थी, ए बी सी और डी, इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, बी डी सी और एफ। आगे वैल्यू, x इंटरसेक्शन y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, देखो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, d आ रहा है और c आ रहा है, ठीक है, b c d कॉमन आ गया। अब मैंने इसको z से इंटरसेक्शन करना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। निकाली वैल्यू, अब मैंने, अब z की वैल्यू मेरे पास क्या थी, c f g h, ठीक है, b c d इंटरसेक्शन सी एफ जी एच, ठीक है, वैल्यू आ गई। अब मैंने इसको किस तरह करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी मेरे पास क्या आया, सिर्फ देखो सी कॉमन आ रहा है, तो जवाब आ गया मेरे पास सी, मतलब के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरे पास आ गई, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी तरह ही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर टू है मेरे पास, कि उसमें x इज इक्वल टू 1 2 3 4 सोन 10 तक है, ठीक है। सोन का मतलब पता है, जैसे इसके बीच में 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 इसके बीच में है, ख़त्म नहीं होके, y वाला है 2 4 6 7 8, ठीक है, और z वाला है 5 6 7 8 सेट हैं ये। हमने वो वेरीफाई करना है x यूनियन y यूनियन z, पहले मैं a वाला करने लगा, वो लेफ्ट हैंड साइड उसकी मैंने ले ली। अब पहले y यूनियन z करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है वो, ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला करना होता है ना, तो y यूनियन z इज इक्वल टू 2 4 6 7 8, ठीक है, और यूनियन 5 6 7 8। अब यूनियन हमें सेट करके लिख देना होता है, 2 4 5 6 7 8, ये हो गया, ठीक है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब एक्स सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और मेरे पास वाई यूनियन जी क्या है, 2 4 5 6 7 8, मतलब कि सारे लफ्ज़ ए वाले सेट के अंदर पड़े हैं, ठीक है। ये लफ्ज़ 1 से 10 तक आते हैं ना बीच में, ये वाले लफ्ज़, मतलब कि x यूनियन y यूनियन z मेरे पास क्या होगा, ये x सेट पूरा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इसमें मेरे पास 2 भी आ गए, 4 भी आ गए, 5 भी आ गए, 6 भी आ गए, 7 भी आ गया और 8 भी आ गया, ठीक है। इसी तरह मैंने राइट हैंड साइड करनी है, x यूनियन y ब्रैकेट और यूनियन z, ठीक है। x यूनियन y मेरे पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यूनियन के 2 4 6, ये पूरा सेट आ जाएगा क्योंकि सारे लफ्ज़ के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, अब जी क्या है मेरे पास, 5 6 7 8, ठीक है, ये मेरे पास यूनियन है। अब मैंने यूनियन करना है, देखो ये लफ्ज़ इसके अंदर पहले से मौजूद हैं, तो मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होगा इसका जवाब, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आई, राइट हैंड साइड, ठीक है, बराबर आ गए ना दोनों। अब मैंने इसका बी वाला पार्ट करना, मतलब कि इंटरसेक्शन वाला, एक्स यूनियन यानी एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट बंद वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन और मेरे पास आ रहा है जी, ठीक है। अब मैंने इसका इंटरसेक्शन करना है वाई इंटरसेक्शन जी, तो 2 4 6 7 8, ठीक है, 2 4 6 7 8 है मेरे पास वाई सेट, और इंटरसेक्शन पर 5 6 7 8 मेरे पास जी सेट है। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 6 7 8 6 7 8 आ गया, कि मेरे पास पहला चीज़ पूरी होगी वाई इंटरसेक्शन जी। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी करना है मैंने, तो मेरे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है, एक्स सेट है मेरे पास, इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है, मतलब कि ये आएगा ना। अब देखो 6 7 8 इसमें मौजूद है ना, इसमें भी है, तो ये 6 7 8 इसका होगा इंटरसेक्शन, ठीक है, उसके अंदर मौजूद है ना, कॉमन लेना था, कॉमन सारा इसके अंदर मौजूद है, तो मैंने वो ले लिया। अब राइट हैंड साइड मैंने करनी है, x इंटरसेक्शन y पहले करना है, ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y किया तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है, ये मेरे पास आ गया x सेट, ठीक है,
इंटरसेक्शन वाई 2, 4, 6, 7, 8, ठीक है। अब जिस सारे लफ्स इसके अंदर मौजूद है ना, ये सारे लफ्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए मेरे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई आया 2, 4, 6, 7, 8, बात पूरी होगी। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी करना, जी सेट वैल्यू मेरे पास क्या थी, जी की 5, 6, 7, 8, ठीक है, जी की वैल्यू थी। अब जी की वैल्यू लिखी 5, 6, 7, 8, ये भी इसके अंदर सारी मौजूद है, देखो, नहीं सारी नहीं, सॉरी 2, 4, 6, 7, 8, एक्स इंटरसेक्शन वाई आया, एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन जी करना है, इसको मैंने इसे इंटरसेक्ट करना है कि देखने कॉमन क्या आता है। 2, 4 इसमें नहीं है, गया, ये नहीं आएंगे। 6, 7, 8 इसमें मौजूद है, 6, 7, 8 मैंने यहाँ लिख दिया, देखो दोनों के जवाब मेरे पास बराबर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरे पास होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, 0, 2, 4 और 5, ठीक है, वाई की वैल्यू 1, 2, 3 और 4, 7, ठीक है, और जी की वैल्यू मेरे पास 4, 6, 8 और 10। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले करते हैं, वाई यूनियन जी करना है, ठीक है, तो वाई मेरे पास क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4, 7 यूनियन किया जी साथ 4, 6, 8 और 10, ठीक है, वाई यूनियन जी मेरे पास आया, देखो 1, 2 आना है मेरे पास, ठीक है, 3 भी आना है और 4 भी आना है, तरतीब में लिख देना है सेट करके 4, 6, 7, 8 और 10, ये होगा मेरे पास वाई यूनियन जी, ठीक है। अब हमने करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, एक्स की वैल्यू है -1, 0, 2, 4 और 5, ठीक है, यूनियन किया मैंने तो मैं इधर लिखने लगा हूँ, चलो इधर लिख लेता हूँ, इधर लिखता हूँ, यूनियन किया 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 10, ठीक है, ये यूनियन है, इसको सेट करके लिखना है, ये आपने गौर से देखना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी आए मेरे पास। अब देखो -1 भी आएगा, सेट करके लिखना है तरतीब में, मिला के -1, 0, ठीक है, अब आना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मेरे पास आ गया 10, ये होगा मेरे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। राइट हैंड साइड करते हैं, तो राइट हैंड साइड में पहले एक्स यूनियन वाई करना है, एक्स यूनियन वाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1, 0, 2, 4, 5, ये आ गई वैल्यू, ठीक है, यूनियन वाई की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4 और 7, ठीक है। अब मेरे पास इसको यूनियन करना है, एक्स यूनियन वाई, ठीक है, -1, ठीक है, 0, ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, और मेरे पास 7 आ गया, ठीक है, वैल्यू आ गई। अब यूनियन जी साथ करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 7 आ गया, यूनियन किया जी साथ 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब यूनियन करके लिखते हैं इसकी वैल्यू सेट करके, तो देखो मेरे पास इसका क्या आएगा, -1, 0, 1, ठीक है, ये तो आ गया, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8 और 10, ठीक है, ये मेरे पास देखो बराबर आ गए ना दोनों, मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब बी वाला करते हैं, राइट हैंड साइड कर इसके बी वाला है ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, पहले हमने ब्रैकेट वाला करना होता है ना, वाई इंटरसेक्शन जी करते हैं, तो वाई मेरे पास वैल्यू क्या है वाई की, वो देखो 1, 2, 3, 4 और 7, 1, 2, 3, 4 और 7 लिख दी मैंने, इंटरसेक्शन जी की वैल्यू क्या है, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, जी की वैल्यू आ गई, कॉमन देखते हैं कौन कौन से हैं, 4 कॉमन आ रहा है और मेरे पास बस 4 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1, 2, 3 इसमें नहीं है, 6, 7, 8, 6, 8, 10 इसमें नहीं है, तो y इंटरसेक्शन z मेरे पास क्या आया, 4, ठीक है। अब x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z करना है, x की वैल्यू क्या थी, -1, 0, 2, 4, 5, इंटरसेक्शन 4,
एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी मेरे पास क्या आया, 4, ठीक है, सॉरी 4, दोनों में 4 ही कॉमन आ रहा है ना, तो 4 मेरे पास इसका जवाब आ गया। राइट हैंड साइड करते हैं इसकी, पहले हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल लें, एक्स इंटरसेक्शन वाई मेरे पास क्या आया, एक्स की वैल्यू क्या है, -1, 0, 2, 4 और 5, इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, 2, 3, 4 और 7, एक्स इंटरसेक्शन वाई मेरे पास क्या आया, कॉमन देखना है ना, 2 और 4, ये कॉमन आ गया 2 और 4, ठीक है। अब हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, ये निकाल इंटरसेक्शन जी साथ करना है, एक्स इंटरसेक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या आई थी, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 वैल्यू आई थी ना इसकी, एक्स इंटरसेक्शन वाई की, ये लिखते हैं पहले हम, 2 और 4 इंटरसेक्शन की है मैंने, ठीक है, तो मेरे पास की जी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 4, 6, 8 और 10, सामने नज़र आ रहा है 4, 4 को दोनों में है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है, इज इक्वल टू जो आपको है 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ए और बी दोनों ही मेरे पास ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना इसका पार्ट 4, वो आपने खुद करना है, अगर ना समझे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नंबर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, लेकिन वो आपने खुद करना है। 3 मैंने आपको करवा दी हैं, 4 भी सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी डी एफ और सी इज इक्वल टू ए एफ सी, ठीक है, अब ए एफ सी है मेरे पास, देन शो डेट ए यूनियन, ठीक है, ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने करनी है, ये लॉन्ग आ जाते होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट वाला करते हैं ना, बी की वैल्यू क्या है, बी डी और एफ, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, ए एफ और सी, एफ दोनों में मौजूद हैं, ये कॉमन आएगा, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एफ आ गया, ठीक है। अब मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है, ए यूनियन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू क्या है, ए बी और सी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, एफ, जो आप कहेगा मेरे पास ए बी सी और एफ, ठीक है, मेरे पास इसका होगा जवाब। राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड में वो हमें कह रहा है कि इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, पहले हमने ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए बी और सी, ठीक है, यूनियन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी डी और एफ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी और एफ, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने ए यूनियन सी करना है, ए यूनियन सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी, यूनियन सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए एफ और सी, ठीक है, ये आगे वैल्यू। अब मैंने इनका इंटरसेक्शन निकालना है, यहाँ लिखता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट आनी है, तो सेट लिखा ए, देखो मेरे पास ए यूनियन बी क्या आया, ए बी सी डी और एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है, अगले लाइन में लिखने लगा हूँ मैं, ए यूनियन सी क्या आया मेरे पास, तो लिखा ही नहीं मैंने, यूनियन सी आया मेरे पास ए बी सी एफ, ठीक है, ये आ गया। अब इंटरसेक्शन लिखा ए बी सी और एफ, आगे वैल्यू। अब मैंने इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जवाब मेरे पास क्या आएगा, ए दोनों में कॉमन है, ए लिख दिया, ठीक है, बी दोनों में है, बी लिख दिया, सी दोनों में है, सी लिख दिया, एफ दोनों में मैंने एफ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, ए बी सी डी, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मेरा जवाब बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास कि ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, 1, सी इज इक्वल टू खाली सेट, मतलब एम्प्टी सेट है मेरे पास, शो डेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले बी इंटरसेक्शन सी से, बी इंटरसेक्शन सी 0 और 1, ठीक है, इंटरसेक्ट किए मैंने किससे, सी से, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा इसका, इसका जवाब मेरे पास खाली सेट ही है, क्योंकि देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी का जवाब क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है।
अब मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या होगा, ए क्या है मेरे पास ज़ीरो, यूनियन खाली सेट, ठीक है, जो आप क्या आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो जवाब क्या मेरे आएगा ज़ीरो, ठीक है। राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या होगी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मेरे पास क्या होगा, ए ज़ीरो है ठीक है, बी ज़ीरो वन है, ज़ीरो यूनियन ज़ीरो वन, जो आपके आएगा ए यूनियन बी का ज़ीरो और वन, ठीक है। अब मैंने बी ए यूनियन सी करना है, ए यूनियन सी, ठीक है, ए मेरे पास क्या है ज़ीरो, सी क्या है मेरे पास खाली सेट, ठीक है, ए यूनियन सी मेरे पास क्या है ज़ीरो, हम दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए ठीक है यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, इंटरसेक्शन लेते हैं उसका, ए यूनियन बी है ज़ीरो वन, और ए यूनियन सी मेरे पास क्या है इंटरसेक्शन ज़ीरो, ठीक है, तो मेरे पास जवाब क्या होगा इसका ज़ीरो, तो जवाब बराबर आ गए, देखो ये और ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है जिसमें वो कह रहा है कि वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ, इफ़ यू इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ए खाली सेट है और बी में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है, हम आप इसको ध्यान रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी ब्रैकेट सी मतलब कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपको बताता हूँ क्या होता है, और बी वाला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले हम ए वाला करने लगे हैं और लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, अब मेले मैं सेट करके लिखता हूँ वैल्यूज़, ठीक है। ए यूनियन बी निकालती हैं, ए मेरे पास क्या है खाली सेट यूनियन बी, ठीक है, ए खाली सेट ऐसे लिख देते हैं, और यूनियन बी क्या है मेरे पास प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं टू थ्री, वन प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, आपने ध्यान रखना वन प्राइम नंबर नहीं होता, तो मेरे पास प्राइम क्या होगा टू थ्री फाइव सेवन एलेवन सो ऑन, ठीक है, वो नंबर जो खुद पे जाते हैं और अपने और वन पे जाते हैं वो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो मेरे पास इसका जवाब क्या आएगा ए यूनियन बी का, तो यही आएगा ना सेट दो तीन पाँच सो ऑन, ठीक है, ए यूनियन बी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया ना, इसका मतलब क्या होता है यू यूनिवर्सल सेट माइनस किससे करेंगे हम ए यूनियन बी से, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम आगे उसकी वैल्यू लिखते हैं यू की, यू माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू क्या है मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि एक दो तीन सो ऑन चलता जा रहा है, माइनस दो तीन पाँच सो ऑन चलता जा रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ हमने गौर से देखनी है कि यू पहले है ना, हमने सिर्फ पहले वाले सेट को देखना है, दूसरे सेट को नहीं देखना जवाब में, जवाब लिखने टाइम इसका ध्यान रखना है। वैसे आपको बताता हूँ इसका जवाब क्या होगा मेरे पास, देखो जब इसको माइनस को मेरे पास यू क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो ऑन, बी ए यूनियन बी क्या है दो तीन पाँच सात ग्यारह सो ऑन, ठीक है, ये वो जवाब आ गया। अब मेरे पास ऑड नंबर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, अब हमने माइनस क्या करना है टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन सेवनटीन और ट्वेंटी थ्री, इस तरह हमने माइनस करना है नाइनटीन, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो कि हमने जो इसमें बच जाते हैं ना वो लिखने होते हैं, इसके हमने इसको नहीं देखना, तो इसमें सारे बच जाए हमें कोई मसला नहीं, जो इसके अंदर बचते हैं ना उसको देखना होता है। तो देखो मेरे पास जवाब क्या आएगा, वन बचा ठीक है, टू गया थ्री भी गया नहीं सॉरी टू टू थ्री गया फोर बचा ठीक है, फाइव गया सिक्स बचा और सेवन गया एट बचा ठीक है, और नाइन बचा टेन बचा ठीक है, इलेवन गया ट्वेल्व बचा सो ऑन, ये उसका होगा जवाब, ठीक है। जो इसमें माइनस हो रहे हैं, जैसे टू माइनस हो गया गया थ्री गया माइनस हो गया गया, इसके अंदर जो बचते हैं हमने वो लिखने होते हैं, इसके अंदर सारे बच्चे हमें कोई लेने जा रहे हैं, ये तो पूरे माइनस हो रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या बचा वन बचा फोर बचा सिक्स बचा एट बचा नाइन बचा टेन बचा ट्वेल्व, ये सारे इवन नंबर्स हैं, वन को निकाल के मतलब कि टू पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, इसी की राइट हैंड साइड करते हैं ये वाले की, ठीक है। तो पहले मेरे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब होता है यू माइनस ए, ठीक है, ए मेरे पास खाली सेट, यू माइनस ए मेरे पास क्या होगा यू क्या है एक दो
तीन, सो ऑन, माइनस खाली सेट किया तो ये यू वापस आ गया, यू माइनस ए मेरे पास क्या हुआ, इसको ऐसे लिखे ना ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आया 1, 2, 3 सो ऑन अगली वैल्यू। अब मैंने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट पास क्या होता है यू माइनस बी, ठीक है, तो मेरे पास यू माइनस बी क्या आया, यू माइनस बी, बी की वैल्यू प्राइम नंबर, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, यू मेरे पास क्या है सॉरी 1, 2, 3 सो ऑन, माइनस 2, 3, 5, 7 सो ऑन, ठीक है, आगे वैल्यू। अब मैंने जो सेम थी ना ये भी, तो यही चीज़ बचेगी, बी कॉम्प्लीमेंट के पास क्या बचा 1, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, ठीक है। अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया, ए कॉम्प्लीमेंट किया था मेरे पास 1, 2, 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन किया 1, 4, 6 सो ऑन, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास कॉमन क्या आएगा, ये पूरा सेट कॉमन आ जाएगा, ए सी इंटरसेक्शन बी सी, ठीक है, देखो ना ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन आगे जा रहे हैं 11, 12, 13। अब एक इसमें भी, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें, इसमें भी है, मतलब कि इसमें मेरे पास देखो 1, 2, 3 ठीक है, इसमें देखो 2, 3 नहीं थे, इसमें हैं, लेकिन 4 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब 5 इसमें भी है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, मतलब कि पूरा सेट इसके अंदर पड़ा है, देखा जाए ना पूरा सेट इसके अंदर पड़ा है, तो ये पूरा सेट कॉमन आ जाएगा 1, 4, 6 सो ऑन, ये मेरे पास होगा इसका सेट, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये और ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरे पास हो गया, ठीक है। बी पार्ट है इसका, पहले हम रेफरेंस सेट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट वाला पहले करना होता है ना, बाद में कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए मेरे पास क्या था, ए मेरे पास था खाली सेट, ठीक है, खाली सेट इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या था प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 सो ऑन, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लिया तो खाली सेट आना है, ना इसमें कॉमन है ना इसमें कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आया, सॉरी ये नहीं आना, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आया खाली सेट, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया, यू वैल्यू क्या थी मैंने नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था 1, 2, 3 सो ऑन माइनस खाली सेट, तो ये पूरा सेट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। अब मैंने इसका बी वाला करना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड करनी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास यू माइनस ए, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है यू माइनस ए मेरे पास क्या है, एक मिनट नहीं सॉरी 1, 2, 3 यू नेचुरल नंबर था ना मेरे पास, माइनस ए मेरे पास क्या है खाली सेट, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट पास क्या आया 1, 2, 3 सो ऑन, खाली सेट है ना, अब उसमें क्या तरतीब देनी, पहली तरतीब में तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बी कॉम्प्लीमेंट निकालने, बी कॉम्प्लीमेंट पास क्या होता है यू माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट पास क्या आया यू क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर सो ऑन माइनस मेरे पास क्या आएगा प्राइम नंबर 2, 3, 5 और सो ऑन, ठीक है, इसका मैंने अब निकालना है कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट पास क्या आया, देखो इसमें 3 है, इसमें 1 बचेगा पहले, 1 जो पहले पिछले में नहीं किया वो सेम है, 1, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था ये 1, 2, 3 सो ऑन यूनियन, ठीक है, 1, 4, 6 सो ऑन, ठीक है। अब देखो तरतीब में वही नहीं आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या जवाब आया 1, 2, 3 सो ऑन, ये सारा सेट्स के अंदर पड़ा है ना, तो जवाब क्या आएगा 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। अब देखो सेम नहीं आ गया जवाब, ये और ये जवाब सेम नहीं आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.14 हमारा ख़त्म होती है टोटली। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, कमेंट करें, लाइक करें, आगे अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।